ध्यान देने योग्य बात है, स्पेशली युवाओं के लिए। बहुत आनंद आता है जब युवा कथा सुनते हैं, बहुत आनंद आता है जब युवा कीर्तन करते हैं और उस कीर्तन में नृत्य भी करते हैं। लगता है भक्ति जवान हो रही है, लेकिन वही हमारे युवा फिल्मी गानों पर भी नाचते हैं, वही हमारे युवा अंधेरे में बैठकर मूवी भी देखते हैं। तो यहां पर सुमति भी है और कुमति भी है। तो मानस की चौपाई मुझे याद आ रही है, जरा ध्यान से सुने, आपके काम आएगी। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति और कुमति हम सबके भीतर रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब बुरे विचार भी और अच्छे विचार भी हम सबके अंदर ही हैं, पर हम प्रकट किसको करना चाहें ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हम अपना साथी किसे बनाना चाहते हैं, अच्छे विचारों को अथवा बुरे विचारों को। वही मानस की अगली पंक्ति कहती है, जहां कुमति जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है वहां संपत्ति नाना, वहां सभी सुख है, वहां सब आनंद है, वहां परमानंद है। इवन जहां सुमति है वहां परमात्मा मौजूद है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सबसे बड़ी संपत्ति बोले परमात्मा की प्राप्ति। जब सुंदर विचार होंगे तभी वो परमात्मा की भी प्राप्ति होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और जहां कुमति होती है वहां विपत्ति निधाना, वहां विपत्ति आएंगी ही आएंगी। वो विपत्तियों की खान है जब जीव के हृदय में कुमति जागृत होती है। और अब आप कहेंगे सुमति और कुमति क्या है, अगर मैं अपनी भाषा में इसको कहूं, जो धर्म पर चले वो सुमति और जो अधर्म की राह पकड़ ले वो कुमति। ये सुमति कुमति मिलती कहां से, बोले संग से। अच्छा संग मिलेगा तो सुमति सुविचार प्राप्त होंगे, और बुरा संग मिलेगा तो कुमति बुरे विचार प्राप्त होंगे। और जैसा संग जैसे विचार वैसा आपका कर्म, वैसा ही आपका रिजल्ट होगा। फिर आपको फिर भोगना पड़ेगा, और भोगना वही विपत्ति के, विपत्ति निधाना। इसलिए मैं युवाओं को एक बात कहूंगा, सोच समझ के खर्ची अपना समय। जहां अच्छाई मिले वहां जरूर जाइए, जहां बुराई मिले वहां से गुड बाय कह के निकल जाइए। हालांकि आजकल लोग 21वीं सदी कह के गलत चीज को भी सही करने में लगे हुए हैं। 21वीं सदी बदली है, विचार नहीं, सत्य नहीं। सदी बदल सकती है, सत्य कभी बदल नहीं सकता। सदी तो बदलती ही रहेंगी, युग युगांतर बदलेंगे ही, लेकिन सत्य नहीं बदलेगा। 21वीं सदी है, इसका मतलब यह नहीं कि हम जो चाहे सो करेंगे। हमें चाहिए हम 21वीं सदी में भी वही करें, वही रास्ता स्वीकार करें, उसी सत्य को स्वीकार करें जिस सत्य पर चलकर हमारे पूर्वजों ने अपना कल्याण किया है, अपना उद्धार किया है। ऐसा तो नहीं है कि सत्ययुग में सत्य बोल के भगवान मिलते थे, अब 21वीं सदी में हम कुछ भी बोल लें भगवान मिल जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या, ऑप्शन है, बोलिए। नहीं है ना, तब काहे ना बदल जाते हैं आप लोग बात बात पे। कोई जरूरत नहीं है बदलने की,
अच्छाई के रास्ते पे जी तोड़ मेहनत कीजिए और चलते चलिए, निश्चित तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी कल हमने एक पंक्ति गाई थी, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सब के सब कर गए हैं किनारा, कौन तुम बिन भमर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हारे, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हारे। जब विपत्ति पड़े तो सब अपने कह देते हैं तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तुम्हें देखें कि अपनी फैमिली को देखें। तो इसलिए सत्य पर चलते रहे, धर्मनिष्ठ बने रहे, तो तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरा ठाकुर ही निश्चित तुम्हें अपनी बाहों में संवार लेगा।